हे गाइस, दिस इज पल्लवी एंड सोनम और हम आप सभी का बॉलीवुड मिरर में स्वागत करते हैं। और इस समय आईपीएल की जो फीवर इतना तेजी से चल रहा है कि हर कोई उसका शिकारी हो गया है। आखिर चढ़ेगा क्यों नहीं, अब प्लेऑफ जो शुरू होने वाला है, यानी टॉप चार की टीमें आपस में लड़ेंगी और जो सबसे बेहतरीन होगी वो जीतेगी आईपीएल की ट्रॉफी। IPL 2008 से चलता आ रहा है, लेकिन एक चीज हम भूल नहीं सकते हैं कि बॉलीवुड का कनेक्शन IPL से काफी पुराना है। बिल्कुल, क्यों नहीं, IPL में बड़े बड़े सितारे भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पिच पे नहीं, मैदान पे नहीं, बल्कि ऑडियंस के बीच। कुछ तो ओनर्स हैं, कुछ बस सपोर्ट करने आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो हम भूल कह सकते हैं शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी जो एक जमाने में थी, और नीता अंबानी, सबसे अमीर इंसान की पत्नी जो मुंबई इंडियंस को काफी ऊपर लेके गई, और मुंबई इंडियंस 3 बार विजयी बनाए, आईपीएल की ट्रॉफी स्टंपिंग नाम करी है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बीच बीच में अपनी फेवरेट आईपीएल टीम को सपोर्ट करने भी निकल जाते हैं। कैटरीना और दीपिका हमेशा आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। अब वो बात की बात है कि आरसीबी कभी प्लेऑफ में पहुंचती है तो कभी आईपीएल, तो कभी नहीं जीत पाई है वो आज तक। बिल्कुल, और आरसीबी के जो स्किपर यानी जो कप्तान है उनकी बीवी अनुष्का शर्मा भी आरसीबी को सपोर्ट करती है। अरे, वो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगी भाई, वो वाइफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके अलावा अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स काफी ज्यादा है, वरुण धवन है, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन है, और हम सुशांत सिंह राजपूत का कैसे भूल सकते जो किंग्स इलेवन पंजाब को बीच बीच में सपोर्ट करने चल जाते हैं। और अगर देखा जाए तो सुशांत जो है उन्होंने धोनी की जो बायोग्राफी बनी थी उसमें धोनी का किरदार निभाया था, तो जब कोई एक्टर किसी प्लेयर का किरदार निभाता है तो वो उसकी लाइफ को एक तरह से जी लेता है। उन्हें तो अलग ही कनेक्शन हो गया होगा धोनी से, भले ही वो किंग्स इलेवन पंजाब को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनके जो फेवरेट प्लेयर होंगे मुझे लगता है कि वो धोनी ही होंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन अब पंजाब, खुद वो पंजाब के, तो सपोर्ट भी पंजाब को ना चाहिए, थोड़ा स्टेट हो जाता है। देखो ना पल्लवी, यूपी की कोई टीम ही नहीं है। लेकिन दिल्ली की तो है, हम तो दिल्ली में है। और इस बार दिल्ली ने जो जोश और जो उत्साह से बल्लेबाजी, बॉलिंग और 7 साल बाद प्लेऑफ के दर्शन भी किए हैं, तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली का, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों ने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी प्लेइंग 11 अगर बॉलीवुड एक्टर्स क्रिकेट खेलते, जिसमें लड़का लड़कियां भी, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस दोनों शामिल हैं, तो हम दोनों अपने अपने कैप्टन बताएंगे, बॉलर्स बताएंगे, बैट्समैन बनाएंगे और ऑलराउंडर्स अगर हैं तो बताएंगे। सोनम की तो यहाँ पे एम्पायर्स भी डिसाइडेड है, तो वो तो थोड़ी अलग ही एज पे चली गई। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको अपनी टीम का नाम बताना चाहेंगे। तो मेरी टीम का नाम है हैप्पी बॉलीवुड टीम। आपकी टीम का क्या नाम है पल्लवी? मेरी टीम का नाम है ग्रीन वंडर्स। ओह माय गॉड, वंडर्स, शायद उनकी परफॉर्मेंस वंडरफुल हो। नाम में बहुत कुछ रखा है। हाँ, ये तो हमने जब दिल्ली ने नाम चेंज किया और प्लेऑफ में पहुंची इसके बाद जान लिया था। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं कैप्टन से। आपको कैप्टन कौन है? मेरे कैप्टन जो है वो है अक्षय कुमार। और क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार ऑलराउंडर है। वो जिस तरह से मूवी में हर कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है अगर वो क्रिकेट खेल रहे होते तो एक अच्छे कैप्टन बन सकते थे। उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी मुझे अच्छी दिखती है, और वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है हर चीज को लेके, तो मुझे लगता है कि वो कैप्टनसी बहुत अच्छी कर सकते हैं। मेरा कैप्टन है शाहरुख खान, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, और किंग ऑफ बॉलीवुड को किंग ऑफ क्रिकेट यानी कप्तान बनना सबसे बेटर होगा। और वाइस कैप्टन की बात करें तो मेरा वाइस कैप्टन प्रियंका चोपड़ा है, क्योंकि देसी गर्ल है, शी इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और देश विदेश हर जगह उनके चर्चे हैं, तो मेरे उप कप्तान है प्रियंका चोपड़ा। और मेरे उप कप्तान है आमिर खान, वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी टीम को परफेक्ट रख सकते हैं। मेरी टीम में मिस्टर परफेक्शनिस्ट इज द विकेट कीपर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही कैलकुलेशन, और जैसे धोनी होते हैं स्टंप के पीछे, वैसे ही उनके अंदर कैलकुलेशन और वो एकदम परफेक्शन हर चीज करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन विकेट कीपर होंगे। आपके कौन विकेट कीपर है? अगर विकेट कीपर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जिस बंदे में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो उसे विकेट कीपर बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो टाइगर श्रॉफ को ही विकेट कीपर बनना चाहिए। उनमें कुछ कुछ दिनेश कार्तिक की झलकियां आपको दिख सकती हैं। दिनेश कार्तिक सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं। तो अगर ऐसी बात है तो धोनी की झलकियां मुझे आमिर खान में दिखती हैं। तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है।
तो चलिए बैट्समैन की बात करें सोनम, तो आपके बल्लेबाज कौन है, कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? शाहिद कपूर वो मेरे फेवरेट एक्टर है, इसलिए मैंने उन्हें बैटिंग करने का चांस दिया है अपनी टीम में. मेरे हिसाब से शाहिद कपूर, अभिषेक बच्चन, वरुण धवन और जैकी भगनानी, इन्हें मैंने बैटिंग का काम सौंपा है अपनी टीम में. और अगर मेरे बैट्समैन की बात करें तो मैंने बल्लेबाजी कृति सनोन, सारा अली खान, जो कि ऋषभ पंत की तरह थोड़ी नई है लेकिन जब से वो आई तब से छाई हुई है. उसके अलावा अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ जो बॉलिंग भी कर सकते बैटिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वरुण धवन को चुना है, अमिताभ बच्चन को चुना है और सुशांत सिंह राजपूत. और आपके बॉलर्स कौन है पल्लवी? बॉलर्स की बात करो तो मेरे तीन अहम बॉलर्स हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ, क्योंकि काफी कदम है ऊंचे तो मुझे लगता है कि बॉलिंग्स और स्विंग्स और पेसिंग काफी अच्छी कर सकते हैं ये. और अगर मैं अपने बॉलर्स बताऊं तो मेरे हिसाब से कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और कृति सेनन अच्छी बॉलर साबित हो सकती है क्योंकि वो अपनी अदाओं से ही सामने वाले का विकेट आउट कर देंगी. ये तो काफी दूर चले गई आप मैडम, थोड़ा क्रिकेट को क्रिकेट में रखें. क्रिकेट में क्रिकेट को रख रहे हैं लेकिन क्रिकेट में बॉलीवुड की एंट्री करा रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से करानी पड़ेगी. और सबसे फनी बात है कि हम दोनों की लिस्ट में अनुष्का शर्मा नहीं है. देखा जाए तो अनुष्का शर्मा विराट कोहली से काफी कुछ सीखती होंगी, मैं उन्हें अगले साल अपनी टीम में जरूर शामिल करूंगी. तो आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 में कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगा जो बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा या फिर विकेट कीपिंग कर सकता है, और कप्तान तो जरूर बताइएगा. अच्छा हाँ सोनम, आपने तो एम्पायर भी चूज किया था. हाँ मैंने दो एम्पायर रखे हैं. देखिए आपने चूज नहीं किया तो मैंने सोचा मैं खुद ही दो कर लेती हूँ. मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सबसे अच्छी एम्पायरिंग कर सकते हैं क्योंकि उनकी बात मुझे नहीं लगता पूरे बॉलीवुड में कोई काटने को तैयार. हाँ लेकिन मेरे पास एक थर्ड एम्पायर है. कौन है वो? जया बच्चन. ओह माय गॉड, जो आपके एम्पायर से मुंह बंद करवा सकती है आराम से. जया बच्चन की जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाया जाएगा. लेकिन पहले तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा इस काम को अच्छे से निभा लेंगे मुझे लगता है. हाँ, लेकिन मेरी टीम अमिताभ बच्चन इज एन ऑलराउंडर तो वो हर चीज. अमिताभ बच्चन के एज बहुत ज्यादा नहीं हो गया, आप उनको तो कहीं ना कहीं आप उनको धोनी की तरह जगह नहीं दे सकती हैं. आप एक बार एज देखिए, धोनी की 37 है, उनकी एज 70s में जा रही है. शाहरुख खान जब हम बॉलीवुड खिला सकते हैं तो अमिताभ बच्चन यार, वो आजकल उनकी देख रहे कितनी बढ़िया बढ़िया मूवीज कर रहे हैं, वो एज इज जस्ट अ नंबर. ओह माय गॉड, चलिए ठीक है, सोच अपनी अपनी. तो आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज हमें अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस, ऐसे और गपशप में जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड मिरर. बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत भूलें.